जब इस बात का यकीन हो जाए कि इंसान तुम्हारे मामले में रत्ती बराबर भी नफ़ा या नुकसान की कुदरत नहीं रखते, तो फिर लोगों से उलझना छोड़ दें, लोगों से बदगुमान और बदजन होना भी छोड़ दें। जो परेशानी किस्मत में लिखी गई है वो आकर ही रहेगी। लोग आजमाइश का जरिया ज़रूर हो सकते हैं, मगर आप को तकलीफ़ पहुँचाने की सख्त नहीं रखते और ना ही वो किस्मत में लिखा है उसे रफा कर सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, और अगर अल्लाह तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाना चाहे तो इसके सिवा कोई उसे दूर नहीं कर सकता। ये तकलीफ़ें कभी हमारी आजमाइशें बन जाती हैं और कभी हमारे हाथों किए गए हुए गुनाहों का सज़ा बन जाती हैं। जैसे सूरह सजदा की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाता है, और इस बड़े अजाब से पहले भी हमें इन्हें कम दर्जे के अजाब का मज़ा ज़रूर दिखाएंगे, शायद ये बाज आ जाए। इसलिए जब भी मुसीबत आए तो अपना जायज़ा लें और सब्र करें और अल्लाह ताला से तौबा करें।